पद्मावती की तुलना उस भांड दीपिका पादुकोण से कर रहे हैं। देखिए देखिए उन्होंने दीपिका पादुकोण ने जो बोला है वो राजपूत समाज के लिए गाली है। चाहे मोदी जी उनके रक्षक भी बन जाए, क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा। दीपिका पादुकोण को और संजय लीला भंसाली को या तो देश छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उनका सर कलम करने वालों को 5 करोड़ का इनाम अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा देगी। अरे अपनी बहन को न जाके दिखा संजय लीला भंसाली, मैं उसके ऊपर 2,000 की गड्डियां बरसाऊंगा। अगर बॉम्बे जाके भंसाली के घर में जाकर उसको घुसकर मारना पड़ा तो मारेंगे, अगर हमें उसके लिए भंसाली का सिर भी काटना पड़ा तो काट देंगे। जरूरत पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा जी। अगर कानून हमारा साथ नहीं देगा तो हम कानून के लिए बहुत इंतजार नहीं करेंगे। गोली मार दे लोगों को इनके लालच पर। कौन गोली मारेंगे? गोली मार दे लोगों को इनके लालच आप पर। गोली मारेंगे लोगों को? आप गोली मारेंगे? हिंसा करवा रहे हैं आप गोली मारेंगे? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप गोली मारने की बात कर रहे हैं? इधर हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं आप? लिसन टू मी। ऐतिहासिक तथ्यों को छेड़ा जाए तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो दीपिका पादुकोण इस बजारू स्त्री जो पैसे के दम पर नाचती हो, क्या वो हमें बताएगी? वो हमें समझाएगी कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? पिक्चर नहीं चलेगी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दिखाते रहे अंतरंग, पर अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती को तो हम नहीं दिखाएंगे। कर्णी सेना ने थप्पड़ मार दी, क्या मेरी बहन बेटी पर, मेरी इज्जत आबरू पर अगर कोई अंगली उठाएगा तो मैं थप्पड़ मारने लायक भी नहीं बचा। पूरे देश में जिस भी सिनेमा हॉल में ये पिक्चर चलेगी, वो पिक्चर नहीं चलेगी, वो सिनेमा हॉल चलेगा। लोग सारे पूछ रहे हैं 12 तारीख को क्या होगा। मैंने कहा ये तो एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने तो नहीं कहा कि मेरी बेटी समान है, इसका नाक काट लूंगा या कान उतार लूंगा। ये स्थिति में उन बच्चों को कहने की कहां जरूरत हो रही है कि अगर रावण की समझ में नहीं आए तो सपूर्णा का नाक काट देने की हैसियत भी लक्ष्मण की है। हमने सिर कटाए हैं मालिक, खून से लिखा इतिहास। 16,000 स्त्रियों के साथ में मर बिटी, क्या उसकी इज्जत उतारने का अधिकार हम किसी को देंगे? नहीं देंगे। समस्त राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए कर रहा है कि ये जो भांड लोग हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, ये पैसे कमाने के लिए भारतीय इतिहास को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। He has killed our emotions and we are against, totally against it. Ban, ban and ban. The movie should be totally banned. This I don't understand. Ban! I don't understand. Why did this happen? एक एक स्क्रीन को आग लगाने की ताकत रखता है क्षत्रिय समाज। अरे मुझे अरेस्ट करके तो दिखाओ जिसकी माँ ने दूध पिलाया। मैं तैयार हूँ, आओ। 1 तारीख को कोई भी सिनेमा हॉल मालिक इस पिक्चर को चलाने की कोशिश करे तो ये पिक्चर चलनी नहीं चाहिए, वो सिनेमा हॉल जलना चाहिए। कौन है संजय लीला भंसाली? मैं इसकी बीवी को नचाना चाहता हूँ। अगर हम मिलकर इनको 2-2 जूते मारे तो इसकी टांट पर कितने बाल रहेंगे, ये आप समझ सकते हो ना? पद्मावती के नाम पे अगर यहाँ ये गंदगी फैलाई जाएगी तो कैसे चुप रहेगा राजपूत?